उसे ढूंढने आया है बचाने, ये मैं अच्छे से जानता हूं। मेरा विश्वास तेरे ऊपर छोड़ गया है, पर आप पर आज भी मेरा विश्वास बना हुआ है पिताजी। पता नहीं वो दिन कब आएगा। वो दिन जल्दी ही आएगा जब अखबार में तुम्हारे बारे में खबर छपेगी। नहीं नहीं, खबर छपने से तो ससुर जी का गुस्सा और भी बढ़ जाएगा। मुझे लगता है कि खबर निकलवाना हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। कृष्णा, ऐसे नहीं खेलते। मुझे पता है। मारो। अरे वाह कृष्णा, कितना अच्छा शॉट मारा है। शाबाश, चलो खेलें। ये लो, दो दो दो, बॉल दो बॉल दो बॉल दो, वेरी गुड। ये लो ये लो ये लो, बॉल 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 दो बॉल दो, ये लो, दो 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 दो, वेरी गुड। ये लो प्रिया, कृष्णा को बॉल पास करो। कृष्णा क्या कर रहे थे बेटा? मैं तो फुटबॉल खेल रहा था। खेल नहीं रहा था बेटा, खेल रही थी। मेरा कृष्णा लड़का नहीं लड़की है। सब लोग तो मुझे लड़का कहते थे और आप भी। बेटा मैंने कहा था ना कि ये सब हमने जानबूझकर किया है। ठीक है, मैं पापा के साथ खेलूंगा। लेकिन पापा है कहाँ? पापा क्या वो मार्केट गए हैं? तुम्हारे लिए चॉकलेट लाने के लिए। खाओगे ना चॉकलेट? लेकिन उनको पता नहीं है मेरी फेवरेट चॉकलेट कौन सी है। पापा को सब पता है कि तुम्हें कौन सी चॉकलेट पसंद है, और वो एक दो नहीं ढेर सारी चॉकलेट लेकर आएंगे। सच्ची? मुच्ची। आएंगे बेटा, बहुत जल्दी आएंगे। चलो चलो फुटबॉल खेलो। प्री चलो आ, कृष्णा के साथ फुटबॉल खेले, खेलोगे ना? आओ कृष्णा। आ जाओ, बॉल पास करो, बॉल पास करो, कृष्णा को बॉल दो। आओ चलो मारो, किक मारो, किक करो, मारो। क्या हो गया है पिताजी ने? अरे किस धर्म संकट में फंसा दिया भगवान तूने मन्ने? ये करूं मैं, अपने बीवी बच्चे की जान बचाऊं कि पिताजी का साथ दूं? कुछ समझ ना आ रहा है। जो धर्म संकट के बादल कब तक चारेंगे भगवान हमारे सिर पे? लाल तो बस एक ही रास्ता मन्ने दिख रहा है कि पिताजी और उनके आदमियों को इस गांव से दूर ले जाऊं, बस। लेकिन जो काम मैं अकेले भी तो ना कर सकूं, कौन दे सकता हमारा साथ?
इस गांव में तो एक ही भरोसेमंद आदमी दिखे है। बल्लू ही हमारी मदद कर सकता है और बल्लू ही पिताजी को समझा सके। बल्लू, मन्ने लागे है कि चौधरी साहब के चक्कर में हम सब बुरे फंसेंगे। देख की हालत हो गई है हम लोगों की, और तू बैठे बैठे कहाँ सोच रहा है बल्लू? जो तू सोच रहा है वही मैं सोच रहा हूँ। तन्ने का लगे है कि कैसे पीछा छूटेगा और कैसे हम घर जाएंगे? हाँ, जब तक वो लोग नहीं मिल जाते पीछा छूटने वाला नहीं है। तब तो गई भैंस पानी में। अरे ऐसे कैसे जाएगी भैंस पानी में? अगर तू मेरा नाम नहीं बताएगा किसी को तो मुझे मालूम है कि वो लोग कहाँ है। के का? तन्ने वेरा है? तन्ने वेरा है कि वो लोग कहाँ है? अरे फालतू में हम लोगों को दौड़ा, इतना परेशान किया। अरे चौधरी साहब तो बाद में मारेंगे, पहले हम ही लोग तुझे ना। अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था। अगर मुझे मालूम होता तो मैं चौधरी साहब को नहीं बताता और हम सब अपने अपने घर पे होते। तेरी एक मजाक ना तेरी जान ले लेती। हमारे सामने तो तूने ये गलती कर दी, चौधरी साहब के सामने मत करना। समझा? क्या मेरी मौत आई है क्या जो उनके सामने बोलूंगा? तुम लोग तो अपने भाई हो। चलो भाइयों, चलो चल के ढूंढते हैं। बल्लू तू तो खुद फंस गया, अब चाहकर भी सच्चाई बता नहीं सकता। प्रीत, बेशक कृष्णा के पापा उन दोनों का साथ दे रहे हैं, पर जैसा हम सुनते आ रहे हैं कृष्णा के दादा बहुत सख्त किस्म के इंसान हैं। हमें इन लोगों को ज्यादा ही ख्याल रखना होगा। दीदी हम उनका ख्याल तो रख ही रहे हैं, कोई कमी रह गई है क्या? नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर हम उनकी देखभाल उनकी रक्षा सिर्फ अनाथालय के अंदर कर रहे हैं। गांव में बाहर क्या हो रहा है हमें इसका बारे में कुछ नहीं पता। हमें एक खबर होनी चाहिए कि बाहर क्या चल रहा है। तुम एक काम करो, तुम बाहर जाओ और पता करो गांव में हो क्या रहा है। सही कह रही हो दिया, वो लोग हम तक पहुंचे इससे पहले हम उन तक पहुंचकर सब खबर ले आते हैं। पर एक बात का ध्यान रखना, अकेले जाना और किसी को इस बात का पता ना चले। जी दीदी। थोड़े दिन ही बेटा, फिर हम कहाँ जाएंगे? घर पे जाएंगे? पता नहीं,
तू एक काम कर, चला के खेल। चल। हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा, इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। पर लगता है कि चुप कर रहने से समस्या का हल नहीं होने वाला। मुझे कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा। नहीं पिताजी, अभी तक वो मुझे नहीं मिले। मिल गए होते तो मैं यहां थोड़ा ही होता, उन दोनों को आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया होता। मैं जानता हूं पिताजी, आप इस सब से बहुत गुस्सा हो, नाराज हो, लेकिन जितनी नाराजगी आपको है ना, उससे ही ज्यादा आग मेरे दिल में लगी है। जाने कहां दुबक के बैठ गए हैं दोनों माँ और बेटी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए पिताजी, जिस दिन वो मुझे दोनों मिल गए ना, मैं अपने हाथों से उनको सजा दूंगा, देखिएगा। लगता है वीर से बदला लेने का मौका मिल गया है, पर ये किस तरह पता करूं कि इसके घर में कौन सी आग लग रही है। चल रहे से कृष्णा के बारे में तो नहीं पता चल गया। ये तो पहले ही मेरे पीछे हाथ धो करके पड़ा है। इसे अगर कृष्णा का पता चल गया तो मैं कब तक कृष्णा को बचाती रहूंगी। आज नहीं तो कल वो लोग कृष्णा को ढूंढ ही लेंगे। मुझे लगता है कि अब मुझे उनका सामना करना ही होगा। के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है। एक रास्ता है प्रेरणा, हम लोगों को कृष्णा को कहीं दूर लेकर जाना होगा। रागिनी जी, मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या किसी माँ के लिए आसान नहीं है, पर फिलहाल कृष्णा की जान बचाने का एक यही रास्ता बचा है। आपको पता है ना, कृष्णा मेरी जान है। जब से वो पैदा हुई ना, तब से उसे बचाने के लिए मैंने क्या क्या किया ये सिर्फ मुझे ही पता है। आप जो कह रही है वो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो क्या तुम कृष्णा को उनके हाथों मरने दोगी? नहीं, जान ले लूंगी मैं उनकी। अगर मेरे कृष्णा को उन्होंने छुआ भी तो मेरे रहते ही मेरे कृष्णा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रेरणा, मैं तुम्हारे जज्बात और जोश को समझ सकती हूँ, पर प्रैक्टिकली बात यह है कि एक औरत इतने सारे मर्दों का सामना नहीं कर सकती। इसका मतलब ये मत समझना कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, पर उनके साथ पूरा गांव है। और वो लोग जिनके मन में लड़कियों के प्रति ना कोई इज्जत है ना कोई प्यार। हालात को समझो प्रेरणा, जैसे तुम कृष्णा को सुरक्षित रखना चाहती हो वैसे हम भी कृष्णा को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसका एक रास्ता और भी है। अगर तुम्हारे पति तुम्हारे ससुर का सामना कर पाए तो
बल्लू किधर गया अब? कितने परेशान हो गए हम लोग। अरे ओ बल्लू, अरे करम भाई, बल्लू किधर गया अब? बल्लू सुन सुन भाई, बल्लू थोड़ा सुन जा, भाग रहा, सुन मेरी बात तो सुन, बात सुन बल्लू, क्या हो गया, क्या हुआ, क्या भाई पीछा क्यों छुड़ा रहा मन्ने से? भाई मुझे माफ करो, मुझसे नहीं होगा। अरे भाई क्यों पीछा छुड़ा रहा तुम्हारे से? भाई मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। क्यों हुआ, हुआ क्या? मुझे अब कुछ भी करने को मत बोलो। क्योंकि आपके चक्कर में आकर मैंने चौधरी साहब से झूठ बोला है। अगर उनको पता चला कि मैंने झूठ बोला है तो चौधरी साहब मेरी जान ले लेंगे। ऐसे ही मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ दिनों से खाया पिया भी नहीं, बहुत दिन हो गए घर पे भी नहीं जा पाया। भाई आप है ना, मुझे बख्श दो। आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, चाहे तो पांव भी पड़े। अरे भाई मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा, तेरा प्यार पढ़ने को तैयार हूं। भाई क्यों मारे से पाप करवा रहे हो? पाप नहीं भाई, एक बाप अपने बच्चे की जान बचाने के खातिर तेरे सामने हाथ फैला रहा है। आप तो सीधे सीधे मेरी बलि मांग रहे हो।
मैं हाथ जोड़ रहा हूं भाई तेरे सामने, इतना काम कर दे बस। भीख मांग रहा है तुझसे। ठीक है भाई, मैं चौधरी साहब को कुछ भी नहीं बोलूंगा, वो अपना राज मेरे दिल में ही रख लूंगा। भाई सिर्फ बताना ही नहीं है, पिताजी को इस गांव से दूर भी रखना है। आप तो सीधे सीधे मेरी बलि मांग रहे हो। मैं हाथ जोड़ रहा हूं भाई तेरे सामने, इतना काम कर दे बस। भाई ठीक है भाई, चौधरी साहब को गांव से दूर रखने की कोशिश करूंगा। हाथ मत जोड़ो भाई, आप मेरे माए बाप हो। एक रास्ता है प्रेरणा, हम लोगों को कृष्णा को कहीं दूर लेकर जाना होगा। मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या किसी माँ के लिए आसान नहीं है, पर फिलहाल कृष्णा की जान बचाने का एक यही रास्ता बचा है। प्रेरणा मैं तुम्हारे जज्बात और जोश को समझ सकती हूँ, पर प्रैक्टिकली बात यह है कि औरत इतने सारे मर्दों का सामना नहीं कर सकती। तुम्हारे साथ हैं, पर उनके साथ पूरा गांव है, और वो लोग जिनके मन में लड़कियों के प्रति ना कोई इज्जत है ना कोई प्यार। इसका एक रास्ता और भी है, अगर तुम्हारे पति तुम्हारे ससुर का सामना कर पाए तो। हम लोगों को कृष्णा को कहीं दूर लेकर जाना होगा, पर फिलहाल कृष्णा की जान बचाने का एक यही रास्ता बचा है। औरत इतने सारे मर्दों का सामना नहीं कर सकती, उनके साथ पूरा गांव है, और वो लोग जिनके मन में लड़कियों के प्रति ना कोई इज्जत है औरत ना कोई प्यार। मर्दों का सामना नहीं कर सकती, फिलहाल कृष्णा की जान बचाने इसका एक रास्ता और भी है, अगर तुम्हारे पति तुम्हारे ससुर का सामना कर पाए तो। नहीं नहीं, मुझे उनसे बात करनी होगी। आप कहीं जा रहे हो? हाँ कंचन, तुम कृष्ण का ख्याल रखना, मैं बस अभी आती हूँ। हाँ ठीक है दीदी। आप एक काम करो, आप घर चले जाओ और मेरे पर भरोसा रखो, मैं उन दोनों को ढूंढ के घर ही ले आऊंगा। अरे के चावे है, चावे के है तू? मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है ना वो सब तेरी वजह से हो रहा है। जितनी बेइज्जती ममता ने मेरी करवाई है ना, उतनी बेइज्जती तेरी वजह से हो रही है। सबसे पहले मैं उस छोरी कृष्णा को ढूंढ करके उसका गला काटूंगा और फिर ममता का।